तो मैं हूँ आप लोग का होस्ट और दोस्त भविष्य 003। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में खेलने वाला एक हॉरर एंड स्केयरी गेम जिसका नाम है ग्रैनी। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि गाइज आप लोगों ने ये गेम जरूर ना जरूर खेला ही होगा अपने मोबाइल के अंदर। एंड अगर आप लोगों ने ये गेम नहीं खेला है तो मेरी इस गेम प्ले की वीडियो के बाद जरूर इस गेम को खेलना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस गेम का लिंक मिल जाएगा, मैंने आप लोग इस गेम का लिंक प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग जरूर इस गेम को डाउनलोड कर लेना। एंड जितने लोगों ने इस गेम को खेल रखा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बिना किसी शर्म के बताना कि आप लोग इस ग्रैनी घर से बाहर निकल पाए थे या फिर नहीं। वैसे लेकिन आप लोग को मैं बताऊं तो मैं ग्रैनी की इस घर से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया हूं, और जिस दिन बाहर निकलूंगा उस दिन वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड चलो भाई लोगों, खेलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना। एंड चैनल पर जो जो न्यू आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करना, ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग के हमारे पास सबसे पहले पहुँच सके, हमारे वीडियोज़ को देख सको। तो यहाँ पर आप लोग को देखो प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा, सो यहाँ पर मैं प्ले दबा देता हूँ। एंड बाकी हम जितने भी इसमें क्वालिटीज़ आ जाएंगी क्या क्या आप लोग अपने हिसाब से सेट करना है, तो मैंने यहाँ पर अभी नॉर्मली सेट है अपना, यहाँ पर क्वालिटी मीडियम सेट है एंड म्यूज़िक को ऑन कर रखा है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। एंड वगैरह वगैरह इसमें लिखा पड़ा बहुत सारी चीज़ें। तो अब इसमें डे वन लिख के आएगा भाई लोगों, और डे वन होने के बाद अब हमें इस घर से बाहर निकलना है। ओके, तो उसके बाद ही गेम स्टार्टअप हो जाएगा। और हाँ भाई लोगों, मुझे एक बार पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को फनी कमेंट्री के साथ बनाऊँ, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को फनी कमेंट्री कर सकूँ। आप लोग वीडियो को आते ही स्किप करके चले जाते तो ऐसा मत करना भाई लोगों, ठीक है। तो गेम स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो बता दूँ बहुत ज़्यादा हॉरर एंड स्केयरी गेम है, बट गेम जब आप लोग खेलोगे तब आपको इतना हॉरर एंड स्केयरी नहीं लगेगा। सो सामने भाई लोगों, मेरे पास यहाँ पर एक वास रखा है। ओके, तो इस वास से कुछ चक्कर नहीं है, इस वास को दबा के देख लेता हूँ। एंड इस वास को दबा के भाई कुछ भी नहीं है वास में, तो यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो गेट खोल लिया है, गेट के अंदर भी कुछ यहाँ पर नहीं है। एंड जो अलमीरा है ये बहुत ज़्यादा अलमीरा गंदी हो रखी है, कितनी ज़्यादा मतलब भद्दी से लग रही है। लगता है कि भाई ग्रैनी बहुत ज़्यादा आलसी है, इसको एकदम भी नहीं यूज़ करती है साहब। तो ग्रैनी में देखो सामने सारी कितनी ही काली सी है ग्रैनी, नाच धाच के आ रही है, और नाचते नाचते ग्रैनी ऊपर ही आएगी आई थिंक। एंड अभी तो नीचे जा रही है, और उसके हाथ में है डंडा। एंड जब ये डंडा लगता है ना तो भाई लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग क्या मुझे ग्रैनी से प्रोटेक्ट देना चाहोगे? तो नहीं ना, तो ओके भाई लोगों, मैं नहीं पिटूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ग्रैनी से बचता रहूं और इस घर से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। सो अभी तो ग्रैनी शायद नीचे चली गई है डंडा लेके, तो क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? तो वैसे तो लगता नहीं कि मुझे बाहर जाना चाहिए, बिकॉज ग्रैनी कभी भी आ जाए कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। पहले ग्रैनी को ऊपर आने दो, उसे वहाँ से निकल जाना, तो मैं नीचे जाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज नीचे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ग्रैनी का आने का वेट करेंगे। एंड लगता है ग्रैनी शायद साफ़ सफाई करने के लिए जा रही है, और पता नहीं क्या कर रही होगी उधर नीचे जाके, तो वेट करना पड़ेगा ग्रैनी का आने का। सो ग्रैनी अभी तक नहीं आई है, तो क्या मुझे निकलना चाहिए या फिर नहीं? बिकॉज अगर निकल जाता हूँ तो भाई तब भी खतरा है, बाई चांस पीछे से आके एकदम से पीट दे, बिकॉज पीटती बहुत तेज ग्रैनी, ये तो सच्ची बात है। एंड यहाँ पर ग्रैनी मुझे कहीं आसपास नहीं दिख रही भाई लोगों, तो तब तक मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी सामान वगैरह रखा हो, चाबी वगैरह। एंड यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ग्रैनी को देख लेते हैं कि अब ग्रैनी तो नहीं आ रही। सो ग्रैनी अभी नहीं, ओ आए थे आई थिंक, ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आ गई, ग्रैनी आ गई। ओ भाई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो डे टू स्टार्ट हो चुका है भाई लोगों, एंड अभी मैं ग्रैनी से बच नहीं पाया, आप लोगों ने देखा बहुत ही धो के पीटा, खत्म कर दिया मतलब एकदम ग्रैनी ने। सो फिर से डे टू स्टार्ट हो गया, ग्रैनी से बच नहीं पाया जैसे, बिकॉज यहाँ पर हमारे साथ में कोई साइड में चीज़ रखी हुई थी। हाँ, ये जो हमारी टेबल रखी हुई थी इसकी वजह से मैं फंस गया था, वरना मैं आराम से आके कबर्ड में छुप जाता, बट कोई बात नहीं, अब कोशिश करूँगा छुपने की। सो यहाँ पर ग्रे एक बार यहाँ खोल के देख लेते हैं, इस बार खोल के देख लेते हैं कि इसमें कुछ है तो नहीं। एंड इधर कुछ भी, ओके ओके भाई, तो यहाँ पर क्या लिखा है, लीव दिस हाउस। ओके, तो उस हाउस को तो लीव कर, ओ ग्रैनी का शायद डंडा दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया ग्रैनी का भाई, फिर से छुप जाते हैं। बट ग्रैनी ने देख लिया, आई थिंक शायद नीचे से आके मारी ग्रैनी, कुछ कह नहीं आता था, आ गए नीचे भाई लोगों। सो फाइनली भाई लोगों, डे थ्री स्टार्टअप हो चुका है। एंड डे थ्री से अब अगर मैं बच नहीं पाया डे थ्री के अंदर, तो वीडियो को हम पर एंड कर देंगे, बिकॉज भाई मतलब बच ही नहीं पा रहा हूँ ग्रैनी से, कब आ जा रही कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब मैं रुकूंगा नहीं, अगर ग्रैनी से कोशिश करूंगा कि मैं ग्रैनी के घर से बाहर निकल जाऊँ। ओके, तो अब भाई मैं देखता हूँ गेट खोल के, ग्रैनी है तो नहीं। सो ग्रैनी तो मुझे कहीं नहीं दिख रही। ओके, तो ग्रैनी कहीं नहीं है, मैं यहाँ पर गेट खोल के अंदर चला जाता हूँ और इस गेट को यहाँ से बंद कर देता हूँ। ओके, ताकि ग्रैनी अगर आए तो देख ना पाए। सो यहाँ पर गाइज कुछ भी नहीं है, एंड यहाँ पर शावर में भी कुछ नहीं है, और यहाँ अलमीरा में मैं देखूंगा तो ये अलमीरा ही बहुत गंदी हुई पड़ी है, ग्रैनी ने एकदम साफ नहीं करा इस अलमीरा को। सो यहाँ पर हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी है, आई थिंक जब ग्रैनी खाना वाना खा लेती होगी तो उसके बाद जरूर अपने हाथ साफ करती होगी।
सो गाइज उसमें मैं आपको मतलब क्या बताऊँ, ग्रैनी ने फिर से मार दिया था पीछे से एंड उस पार्ट को मुझे कट करना पड़ा, इतना रेयर एंड हॉरर लग रहा था। और अभी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो भाई मतलब कितने ज़्यादा खून के धब्बे से आ चुके हैं। सो ग्रैनी पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ से आ जा रही है, ना ही मैं बच पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, मतलब ग्रैनी से बचना बहुत मुश्किल है। ओके आई थिंक मैं समझ गया हूँ, ग्रैनी से बचना इस गेम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो कबड में छुप जाता हूँ, अभी तो ग्रैनी नहीं आ रही है, पहले इस गेट को बंद कर देते बिकॉज जब तक ग्रैनी रहेगी भाई कुछ भी मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी डे 3 हो गया है, मैं अभी तक मतलब बाहर तो क्या मैं गाइस कहीं नहीं निकल पाया हूँ इस गेम से। और ये क्या हो गया भाई, गेम से इस कबर्ड को बंद करके मैं जाता हूँ बाहर एंड आई थिंक शायद यहाँ पर कुछ हो। सो यहाँ पर अभी दूसरे गेट में मैं आ चुका हूँ और ये है ग्रैनी का आई थिंक बैठने का दरवाज़ा। यहाँ पर ग्रैनी टेयर पर बैठती है एंड यहाँ पर ग्रैनी सोती है। ओके समझ गए। सो यहाँ का गेट खोलते हैं, यहाँ का गेट बाहर से खुलेगा। ओके ओके ओके, वो तो भाई ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है और कबर्ड के दरवाजे पर खुल चुका है, लेकिन ग्रैनी नीचे से ज़रूर आई है, देख लेना मेरे को क्योंकि उसने नीचे देख लिया था भाई। मतलब डे 4th भी ऐसे ही गया, मतलब बिल्कुल ही डर एकदम, मतलब क्या मैं कहूँ, गेम से तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कहाँ शो गाइज लास्ट डे है, अगर इसमें नहीं निकल पाया तो मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। नहीं बार बार ग्रैनी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ बट बार बार ग्रैनी कहीं ना कहीं से आई जा रही है। क्या आप लोग भी इसी तरह ग्रैनी में गेम खेलते समय फंस जाते हो तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड तभी गाइज मेरे फ्रेंड्स मेरे को सजेस्ट करते हैं कि प्रैक्टिस मोड खेलना चाहिए ग्रैनी में। ओके बिकॉज ग्रैनी में बच पाना ऐसे मुश्किल है, प्रैक्टिस मोड खेलना चाहिए ग्रैनी में। सो गाइज निकलूँ कहाँ से, कोई दरवाज़ा मतलब मिलता ही नहीं है। अगर नीचे जाऊँगा तो गाइज यहाँ नीचे कहीं ना कहीं आसपास ग्रैनी आई जाएगी, तो गेट को बंद ही रखता हूँ अभी। और अभी गाइज मैं कोशिश कर तो रहा हूँ बाहर जाने की, बट वो गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर जो अलमीरा थी मैंने अलमीरा बंद करी थी एंड बार बार ये अलमीरा ओपन मतलब ओपन होकर बंद हो जा रही है, तो इसका मीन ग्रैनी लगता है आसपास बार बार घर में आके सब कुछ बंद कर जाती है, इससे तो भाई यही लगता है। लेकिन ये जो वास है ये यहीं पर पड़ा हुआ है तो उसको ढा के यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं ताकि बेचारा जो वास है वो ऐसे बार बार कहीं जाए ना एंड गिरे ना, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रैनी का वेट। ओके गाइस बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं तब तक के लिए, बाय, हैव ए गुड डे।